जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक सबसे पहले पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। यहाँ से आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर की एक राजपूत सरदार की तीन पीढ़ियों तक चलने वाली गाथा का वर्णन किस काव्य ग्रंथ में है। वह काव्य ग्रंथ बताना है, वह कौन सा काव्य ग्रंथ है बताइए, वह कौन सा काव्य ग्रंथ है यहाँ पर। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है, क्या है राइट आंसर? तो बिल्कुल सही आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 81 का सही आंसर है विकट भट्ट। आपका सही आंसर विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। साकेत की किस सर्ग में उर्मिला लक्ष्मण मिलन वर्णित है। तो यह जो मिलन वर्णित है उर्मिला और लक्ष्मण का, तो साकेत की किस सर्ग में, नवम दशम एकादश द्वादश। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है, क्या है राइट आंसर? 82 का सही आंसर बताना है और 82 का सही आंसर है आपका विकल्प नंबर डी यानी कि द्वादश। आपका सही आंसर है द्वादश, आपका यहां पर बिल्कुल सही विकल्प नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त की किस काव्य कृति को हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहा गया है। हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहा गया है, जय भारत या सुधरा, साकेत या विष्णुप्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर आपके लिए यहां पर बताना है। 83 का सही आंसर आपका यहां पर क्या होगा तो बताइए, चार विकल्प भी आपके यहां पर दिए गए हैं और क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर है आपका यहाँ पर जय भारत यानी कि विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया, जय भारत आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है तो देख लें, अगला क्वेश्चन है कि माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद मैथिली शरण गुप्त ने किस उपनाम से किया है। तो वह उपनाम बताना है, कौन से उपनाम से किया है। तो क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर है आपका यहाँ पर कलाधर, त्रिशूल, मधुप या जकी। तो ये आपके चार विकल्प हैं, क्वेश्चन नंबर 84 का आपका सही आंसर है, वह उपनाम है, क्या है वह उपनाम है, मधुप। मधुप यानी कि विकल्प नंबर आपका डी बी यहां पर सही आंसर है, मधुप आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85 का क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा है, त्रिशूल उपनाम किसका है। त्रिशूल उपनाम किसका है, नाथुराम शर्मा शंकर, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, सिया राम शरण गुप्त या राय देवी प्रसाद पूर्ण। तो क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 85 और 85 का जो सही आंसर है वह आपके लिए यहाँ पर बताना है। तो 85 का राइट आंसर विकल्प नंबर सी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जकी उपनाम से उर्दू में काव्य रचना करने वाले कवि का नाम है। तो क्या है इनका नाम, तो क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर बताना है, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, राय देवी प्रसाद पूर्ण या जगन्नाथ दास रत्नाकर। क्वेश्चन नंबर 86 है और 86 का जो सही आंसर है, 86 का राइट आंसर है विकल्प नंबर डी यानी कि जगन्नाथ दास रत्नाकर, आपका यहां पर सही आंसर है, जगन्नाथ दास रत्नाकर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 87 का क्वेश्चन है, भक्तिकाल और रीतिकाल का समन्वयक कवि किसे कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 की, भक्तिकाल का और रीतिकाल का समन्वयक कवि कहा जाता है, तो जगन्नाथ दास रत्नाकर को, मैथिली शरण गुप्त को, राम नरेश त्रिपाठी को, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवत को। क्वेश्चन नंबर 87 का सही आंसर है जगन्नाथ दास रत्नाकर, आपका विकल्प नंबर एक आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर एक आपका सही आंसर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका देखिए, क्वेश्चन नंबर 88 क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 88 कविता कामिनी कांते भारतेंदु प्रेगेंदु साहित्य सुधाकर उपाधियों से सम्मानित कवि हैं। कौन है वह जो कवि हैं जो इतनी उपाधियों से सम्मानित हैं, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, नाथुराम शर्मा शंकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवाद, सुमित्रा नंदन पंत। तो क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर बताना है, क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर बताना है, तो आपका सही आंसर है यहाँ पर 88 का बिल्कुल सही विकल्प नंबर आपका बी नाथुराम शर्मा शंकर, आपका यहाँ पर सही आंसर है जो इतनी उपाधियों से सम्मानित
हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अनुराग रत्न की रचयिता है, अनुराग रत्न की रचयिता कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, बाल मुकुंद गुप्त या नाथूराम शर्मा शंकर। तो क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 89 और 89 का सही आंसर है आपका विकल्प नंबर सी यानी कि नाथूराम शर्मा शंकर आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर सी यहाँ पर जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 90 का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि रायदेवी प्रसाद पूर्ण की वह कृति जो कुंडलियां छंद में है, तो वह कृति बताना है कौन सी वह कृति है जो कुंडलियां छंदों में है। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 90 का जो सही आंसर है वह है आपका 90 का राइट आंसर विकल्प नंबर डी यानी कि स्वदेश कुंडल, स्वदेश कुंडल आपका यहाँ पर सही आंसर है, स्वदेश कुंडल आपका राइट आंसर है। करुणा कादम्बिनी के रचनाकार कौन है, करुणा कादम्बिनी के रचनाकार आपसे यहाँ पर बताना है आपको क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 91 का सही आंसर आपका 91 का सही आंसर बताना है और आपका सही आंसर है यहाँ पर क्या है राइट आंसर, गया प्रसाद शुक्ल सनेही आपका सही आंसर है, गया प्रसाद शुक्ल सनेही विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या है यहाँ पर 92 का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, राम नरेश त्रिपाठी की फुटकर कविताओं का संग्रह है किसमें, पथक में है, मिलन में है या मानसी में है या स्वप्न में है, ये आपके चार विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 92 का सही आंसर बताना है और 92 का सही आंसर है आपका यहाँ पर क्या राइट आंसर विकल्प नंबर बी यानी कि मानसी आपका सही आंसर है, मानसी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है तो देख लें, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 93, प्रकाश काल की दृष्टि से सही अनुक्रम बताना है, सही अनुक्रम कौन सा है, यहाँ पर चार विकल्प भी दिए गए हैं तो भाई अनुक्रम बताना है। क्वेश्चन नंबर 93 का सही आंसर क्या होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, काल प्रश्न प्रकाशन काल की दृष्टि से बताना है तो 93 का सही आंसर है विकल्प नंबर आपका सी यानी कि सबसे पहले आपका आएगा यहाँ पर क्या आएगा मिलन, फिर पथिक मानसी और स्वप्न आपका इस प्रकार जो है आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 94 वा क्वेश्चन पूछा गया है, राम नरेश त्रिपाठी कृत खंड काव्यों की संख्या कितनी है, यहाँ पर खंड काव्यों की संख्या बतानी है 1, 2, 4, 3 ये आपके चार विकल्प दिए गए हैं। तो राम नरेश त्रिपाठी कृत खंड काव्यों की संख्या कितनी है, तो 94 का सही आंसर है 3 यानी कि विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी जो है राइट आंसर है, विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है रामचरित चिंतामणि किसकी रचना है, तो जो रामचरित चिंतामणि ये रचना है क्वेश्चन नंबर 95 में आपसे पूछा है ये रचना किसकी है, चार विकल्प भी आपके यहाँ पर उपलब्ध हैं तो अगर आपसे आंसर बनता है तो आप कमेंट में जरूर बताया करें। और 95 का जो सही आंसर आपका यहाँ पर है वह है आपका यहाँ पर राइट आंसर विकल्प नंबर डी या रामचरित उपाध्याय आपका सही आंसर, बहुत बढ़िया विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। यहाँ पर क्या है कि 96 से प्रश्न 96 से 107 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए कथन दिया गया है, उनके उत्तर के लिए चार चार विकल्प भी दिए गए हैं जिनमें से कोई एक विकल्प आपके लिए यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना है। कथन दिया गया है आपका यहाँ पर क्या है, सरगम नरक ठिकाना नाही, यह जो है अब इनमें से आपके लिए एक सही विकल्प चुनना है, क्या होगा इसका सही आंसर, सरगम नरक ठिकाना नाही, तो ये जो कहा है किसकी पंक्ति है इस प्रकार आपके यहाँ पर पूछा गया है। तो आपका सही आंसर है 96 का राइट आंसर महावीर प्रसाद द्विवेदी आपका राइट आंसर होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी यानी कि विकल्प नंबर आपका एक राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या है, मानस भवन में आर्य जन जिनकी उतारे आरती भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती, ये जो इसे है साकेत या जय भारत, भारत भारती या गुरुकुल, ये बताना है क्या होगा इसका सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 97 का सही आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 97 का भारत भारती आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी राइट आंसर, भारत भारती से ये जो है पंक्ति ली गई है। अगला क्वेश्चन क्या है, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी रघुकुल में थी एक अभागिन रानी, उर्मिला या कैकई, सीता या कौशल्या, तो इसका जो सही आंसर है बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 98 और 98 का सही आंसर है कैकई यानी कि विकल्प नंबर
सी आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर सी यहाँ पर जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, तो ए रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखिए क्या है यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन जो है वह है कि मुझे फूल मत मारो प्रेम घन भारतेंदु बालमुकुंद गुप्त या मैथिली शरण गुप्त, ये कथन किसका है बताइए जल्दी से, मुझे फूल मत मारो। तो क्वेश्चन नंबर 99 है और 99 का जो सही आंसर है आपका यहाँ पर 99 का राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका डी मैथिली शरण गुप्त आपका राइट आंसर होगा। मैथिली शरण गुप्त आपका यहाँ पर सही आंसर, बहुत बढ़िया। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, मैथिली शरण गुप्त या श्याम नारायण पांडे जयशंकर प्रसाद रामधारी सिंह दिनकर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 16 यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है और इसका जो सही आंसर है वह बताना है, तो इसका सही आंसर है 100 का राइट आंसर विकल्प नंबर आपका एक यानी कि मैथिली शरण गुप्त आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, मैथिली शरण गुप्त यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए दिवस का आसमान समीप था गगन था कुछ लोहित हो चला, तो वैदेही वनवास प्रिय प्रवास यापन प्रसून या रस कलश, तो आपका यहाँ पर 101 का सही आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि प्रिय प्रवास आपका सही आंसर है, प्रिय प्रवास आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है, तो इसका सही आंसर क्या है, ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है। तो क्वेश्चन नंबर 102 का सही आंसर है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी आपका यहां पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या है अगला क्वेश्चन, तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया है, बड़ी धूम से टीसू आए लड़के लाड़ी साथ लगाए होगा दिल्ली में दरबार सुनकर चौंक पड़ा संसार, भारतेंदु या प्रताप नारायण मिश्र बाल मुकुंद गुप्त या मैथिली शरण गुप्त, तो ये आपके यहाँ पर चार विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 103 का सही आंसर बताना है और 103 का सही आंसर है बाल मुकुंद गुप्त आपका यहाँ पर सही आंसर है, बाल मुकुंद गुप्त आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखिए, सारे देव वृंद से खिंचकर देवराज के नयन हजार कामदेव पर बड़े चाव से आकर पड़े एक ही बार, महावीर प्रसाद द्विवेदी नाथुराम शर्मा शंकर मैथिली शरण गुप्त या गया प्रसाद शुक्ल सनेही, ये आपके यहाँ पर चार विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 104 का सही आंसर आपके लिए यहाँ पर बताना है और 104 का सही आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर एक महावीर प्रसाद द्विवेदी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 105 पूछा गया है, लिखो न करो लेखनी बंदे श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंदे निराला श्रीधर पाठक या हरिओद या सुभद्रा कुमारी चौहान, तो यहाँ पर 105 का सही आंसर है आपका यहाँ पर राइट आंसर है क्या है, विकल्प नंबर बी यानी कि श्रीधर पाठक आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है श्रीधर पाठक बिल्कुल सही आंसर है। तो इस प्रकार आज की वीडियो में बस इतना ही, सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज की वीडियो बस इतना ही, सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।